बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, फेडरल मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेरे किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि सारे तो किसान नहीं आ सकते, 28 लाख हैं किसान, नहीं 70 लाख, 84 लाख माशाल्लाह हमारे मुल्क में किसान हैं, जो कि जो बहुत बड़ी इस मुल्क का एहसास है। और ये जो सारा आज हमने प्रोग्राम किया, इसका मकसद ही एक पैगाम देना है कि ये मुल्क अपने 83 लाख किसानों की मदद कर जब कर गया तो मुल्क उठ गया। हमारे जो किसान हैं, मेहनत कश लोग हैं, बिल्कुल इसने जमशेद टीमा ने सही बात की कि एक मुहिम चली हुई थी कि बड़े जागीरदार और जागीरदारों ने मुल्क तबाह कर दिया, और उससे लोगों को जो शहर में रहते हैं लोग, वो तो फर्क ही नहीं कर सकते जागीरदार और किसान में। 26,000 सारे मुल्क में वो लोग हैं जिनकी जमीन 125 एकड़ से ज्यादा है, 26,000। तो जब लोग कहते थे कि जी जागीरदार टैक्स नहीं देते, उन्होंने ये किया और वो किया और लोगों पे जुल्म किया, तो वो ये नहीं रियलाइज करते कि वो तो 26,000 से भी कम है। असल इस मुल्क की जो जान है वो इस मुल्क के किसान हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज दो बड़ी चीज़ों से खुशी हुई। एक तो ये खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे बेहतरीन हमने अपने जो मेहनत कश किसान हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी किसानों के पास इजाफी 1100 अरब रुपया मजीद गया, 1100 अरब रुपया। और ये इसलिए गया कि सबसे पहले जो किसान गन्ना उगाते हैं, हमने देखा कि वो बेचारे जो हम देखते आए कि क्योंकि ताकतवर इस मुल्क में शुगर मिल वाले हैं, तो क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं रही, ताकत की बालादस्ती रही है, ताकत की हुक्मरानी रही है, कानून की हुक्मरानी नहीं रही, इसलिए क्योंकि ताकतवर शुगर मिल वाले थे तो बेचारा किसान जाता था, ट्रॉलीज उसकी खड़ी हैं, कीमत उसको नहीं मिलती थी, जो रेट दी गई थी उस रेट से उसे कम पैसे मिलते थे, कटौती होती थी, और जो मेहनत करता था उसको उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिलता था, और जो के ताकतवर था वो बड़े बड़े नफे कमा रहा था। तो मुझे खुशी ये हुई कि हमने कानून पास किया कि किस दिन शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू करेंगी, अगर वो नहीं करेंगी उनको फाइन किया जाएगा। फिर जो कीमत पूरी दिलवाई, किसानों को पूरी कीमत दिलवाई, केन कमिश्नर्स को कहा कि किसानों को पूरी जो सपोर्ट प्राइस है वो मिले, तो अल्लाह का करम है कि ये जो 1100 अरब रुपया मजीद गया किसानों के पास, इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि गंदम की कीमत मिली किसानों को, गन्ने की कीमत मिली, मकई की कीमत मिली। और इंशाल्लाह जो हमारा आगे विजन ये है कि किसानों की जो उनकी इनकम है, जो उनकी कमाई है, वो हम दुगनी करें, जो भी कमाई मिल रही है इससे दुगनी करें, क्योंकि इससे क्या होगा, फायदा पाकिस्तान को होगा। सबसे बड़ा फायदा जब किसान कमाएगा वो अपनी जमीन पे लगाएगा, जमीन की पैदावार बढ़ेगी, मुल्क को फायदा होगा, गुर्बत कम होगी मुल्क में, और जितनी जितनी किसान पैदावार करता रहेगा खाने पीने की चीजों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये जो महंगाई है इस वक्त, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है
कि पाकिस्तान वो मुल्क जो दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट करता था, आज जो जो दिखाया कि हमारी आबादी किधर से किधर पहुंच गई है। जब पाकिस्तान बना था तो इस हमारे खित्ते की, इस पाकिस्तान, एक तो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था, तो जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था इसकी आबादी मुश्किल से 4 करोड़ थी। 4 करोड़ थी पाकिस्तान की 1947 में आबादी, देखते देखते पहुंच गई है 225 मिलियन, यानी कि 22 करोड़। 4 करोड़ से 22.5 करोड़ पे जब आबादी जाएगी तो पैदावार भी उसी तरह हमें उतनी पैदावार जमीन से निकालनी पड़ेगी। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि हमने रिकॉर्ड, हमारी गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उसके बावजूद 40 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 40 लाख टन हम, और ये जो अभी बताया गया कि जो हमारा जो एडिबल ऑयल है, जो तेल है खाने बनाने के लिए, वो जैसे जैसे बाहर उसकी कीमतें दुगनी हो गई उतना ही हमारे ऊपर बोझ पड़ गया, हमें भी कीमतें बढ़ानी पड़ी। तो जो आज सारा मकसद बताने का आपको ये है कि हमने पहले तो किसान की मदद करनी है, किसान को पैसा मिले, फिर किसान की टेक्नोलॉजी से मदद करनी है। और जो दूसरी आज मुझे खुशी हुई कि भावलपुर की जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके अभी जो मैंने रिवॉर्ड दिए हैं वाइस चांसलर को और प्रोफेसर को, और वो जो पीएचडी नौजवान अली जो चाइना से पीएचडी करके आया, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल का रास्ता। जब तक हम अपने मुल्क में रिसर्च नहीं करेंगे, अच्छी भली हमारी, मुझे बचपन में याद है कि हम दुनिया कहती थी जी फैसलाबाद में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बड़ी क्लास की है, बड़ी उसकी तारीफें होती थी, वो बड़े बड़े बीज बनाती थी। देखते देखते हमारी वो जो यूनिवर्सिटी की जो सारी ताकत थी रिसर्च करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो आज हम क्यों इधर बैठे हुए हैं? ये मुल्क, अल्लाह ने जो जमीन दी है इस मुल्क को, जो हमारे पास 12 मौसम दिए हैं, हम तो कुछ भी कर सकते थे। अभी जमशेद चीमा ने आपको बताया कि कितनी चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो हम पाकिस्तान में सारी उगा सकते हैं। जिस मुल्क के पास 12 मौसम हो, हर चीज वो उगा सकता है पाकिस्तान में, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो, जोनिंग की जाती, बताया जाता कि किस जगह पे क्या चीज अगर उगाएं तो उसका ज्यादा फायदा है। जिस तरह मैं कहता हूं, अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस, वो जो मोहनजोदारो में 5000 साल पहले जो चीजें करते थे, वो भी ज्यादातर आज तरीका भी पानी देने का वही है जो कि 5000 साल पहले था। अब पानी कम हो गया है, नए तरीके हैं पानी के, वो ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जंगलों को आबाद, रेगिस्तान को आबाद कर दिया है, क्योंकि टेक्निक्स निकल आई हैं कि थोड़े से पानी से आप कितना फर्क कर देते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे प्रोफेसर अथर जी, प्रोफेसर इकबाल और वो नौजवान पीएचडी अली, उन दोनों ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि कैसे हम, कैसे सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च करते हुए, हम कैसे ज्यादा अपनी वो जो कॉटन है, जो कपास है, उससे हम कैसे कीड़ों से भी बचा सकते हैं, कीड़ों को मारने वाली दवाइयां भी नहीं लगानी पड़ती, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, एक जगह के ऊपर ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च से है। इस तरह दुनिया आगे बढ़ी है, दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ी है। आज से 50-60 साल पहले जब ये साइंटिस्ट देखते थे कि जी आगे तो जो इतनी आबादी बढ़ रही है तो आगे तो अनाज की कमी होगी, लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन लोग भूखे नहीं मरे। इसलिए नहीं मरे कि साइंस आगे निकल गई, साइंस ने नए नए तरीके निकाल लिए, साइंस ने पैदावार बढ़ा दी, साइंस ने वो चीजें, हर चीज का तोड़ निकालना शुरू हो गया। अगर कोई कीड़े ऐसे आते थे जो मुतासर करते थे, उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया, लेकिन वो इसलिए कि वो काम हो रहा था उसके ऊपर। तो
तो मुझे ये आज सबसे ज्यादा खुशी हुई, मैंने देखा कि हमारे भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया और भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को ये क्रेडिट जाता है कि आपने ये, और भाई साहब फिक्र ना करें, आपकी हम पूरी मदद करेंगे, आप रिसर्च करें, ये मैं गारंटी देता हूं कि हम, मैं और चीफ मिनिस्टर आपके लिए पूरी फंड्स भी हम देंगे आपको। और मैं इसलिए भी अपने किसानों की मदद करना चाहता हूं क्योंकि देखेंगे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मैंने फिर से कहूं गुर्बत, हमने इस मुल्क में अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अगर थोड़े से अमीर लोग हों और गरीबों का समंदर हो, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तब करता है जब अपने मुल्क के कमजोर तबके को भी वो ऊपर उठाता है। इंसानी माशरा होता ही वो है जिसमें इंसानियत हो, और इंसानियत का तकाजा है कि जो आपके लोग पीछे रह गए हैं, दुनिया की रेस में पीछे रह गए हैं, हमारी पूरी कोशिश हो कि उनको हम ऊपर उठाएं। और ये मदीना की रियासत में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा असूल लेके आए थे, दुनिया की तारीख में पहली दफा कि रियासत ने अपने कमजोर तबके को की जिम्मेदारी लेके पहली दुनिया की तारीख की फलाही रियासत बनाई थी। तो चाइना ने अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने जा रहा है तो उन्होंने वही असूल अपनाए थे, उन्होंने भी अपने गरीबों को ऊपर उठाया था। आज से 35 साल पहले चाइना और हिंदुस्तान तकरीबन एक जगह खड़े थे, आज चाइना को देखें और हिंदुस्तान को देखें, क्योंकि चाइना ने 70 करोड़ गरीब लोगों को ऊपर उठाया, गुर्बत से ऊपर उठाया, और वो आज दुनिया की, कोई दुनिया ये समझती है कि अब चाइना को कोई नहीं रोक सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने। हिंदुस्तान को देखें, गुर्बत की इंतहा है, अभी देखें जो हालात हैं उनके, और क्या वजह है, क्योंकि उनका छोटा सा तबका अमीर से अमीर तरीन हो गया लेकिन गुर्बत की इंतहा है वहां। तो हमने वो, जब मैं कहता हूं कि मदीना के रियासत के उसूलों पे चलना है तो सबसे पहले जब हम अपने लोगों को गुर्बत से उठाएंगे तो हमें अपने किसानों की मदद करनी पड़ेगी। जब किसान पैसा बनाएगा, देहात में ज्यादा गुर्बत है, देहात में जब पैसा जाएगा, जिस तरह 1100 अरब रुपया गया है, मजीद गया है, जो पहले से ज्यादा गया है, तो जिस तरह हम देहात में किसानों की मदद करते जाएंगे मुल्क खुद ही खुशहाल होता जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना मोटरसाइकिल नहीं बिका। तो लोग कहते हैं तबाह हो गए मुल्क, तबाह हो गया, तो तबाह हो गया तो रिकॉर्ड सारे टूट गए, मोटरसाइकिल के, टोयोटा की गाड़ियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं, कभी इतनी गाड़ी नहीं बिकी। तो मोटरसाइकिल इसलिए बिका क्योंकि देहात में पैसा गया है, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल देहात में बिका है। तो हमने गुर्बत कम करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, ये जो बाहर से हम खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये समझे, देखें इस वक्त पाकिस्तान का मसला क्या है। अब मुल्क माशाल्लाह ऊपर जाना शुरू हो गया, पहले 2-1.5 साल तो हम मुल्क को स्टेबल करते रहे, मुश्किल हालात में था, हर तरह के बुरहान आए हुए थे, पहले स्टेबल किया, अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ऊपर जा रहा है, तकरीबन 4% मुल्क की ग्रोथ रेट है, लेकिन अब इसको और ऊपर लेके जाना है और वो जाएगा। लेकिन जो मसला हमें आएगा वो है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, कि डॉलर कितने मुल्क में आ रहे हैं, मुल्क से बाहर कितने जा रहे हैं। ये एक मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मशीनें इंपोर्ट कर रही हैं, टेक्सटाइल के लोग फैक्ट्रियां मजीद लगा रहे हैं, और लोगों जब मशीन इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क में ज्यादा डॉलर नहीं लेके आते, ये इधर मुल्क जाके फंस जाता है, फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है, डॉलर की कमी हो जाती है। इसलिए जो हम चीजें खाने पीने की इंपोर्ट करते हैं, और इस साल हमने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में खाने पीने के अनाज इंपोर्ट किया है, कभी इतना ज्यादा नहीं किया। कॉटन भी, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करती थी, कॉटन भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी।
तो इसलिए किसानों को जब तक हम मदद नहीं करेंगे हमारा ये ट्रेड इंबैलेंस हो जाएगा, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट, वो बजाय सरप्लस में डेफिसिट में चला जाएगा। तो ये हमारा इस वक्त चैलेंज है, तो इसलिए भी हमने किसानों की मदद करनी है। लेकिन किसानों की जो मैं अभी अभी जो हमने किसान कार्ड दिए, ये भी एक इनकलाब है। अब तक किसान को डायरेक्ट पैसे नहीं पहुंचते थे, जब हम किसानों को पैसे भी देना चाहें तो वो इतने मुश्किल था किसान को पैसा पहुंचाना, बीच में कोई कहीं ना कहीं कोई चोरी कर लेता था, कोई पहुंचता नहीं था, बड़ा मसला था। तो ये अब हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पहली दफा एक कार्ड बनेगा कि किसान अब उस कार्ड के ऊपर उसको जो भी हम सब्सिडी देंगे, खादों के ऊपर, बिजली के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर, जिधर भी, वो कार्ड के ऊपर अब सब्सिडी आएगी। वो डायरेक्टली कार्ड जाएगा, कीड़े मारने वाली दवाइयां उसके ऊपर सब्सिडी, कभी अगर अजाब आ गया, खुशहाली हो गई, इलाके के किसानों को मुश्किल पड़ गई, तो कार्ड के ऊपर सब्सिडी आएगी आपकी, ताकि डायरेक्ट एक किसान जाए और अपना पैसा निकाल सके। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि ये एक पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह ये अब हमारे अगला पख्तूनख्वा की हुकूमत लेगी आपको देखते देखते, और जिधर पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में, और कोएलिशन गवर्नमेंट है हमारी बलूचिस्तान में, उनसे भी हम बात करेंगे कि किसानों के लिए ये कार्ड दें ताकि डायरेक्टली हम किसान को सब्सिडाइज करें। उसके साथ साथ हेल्थ कार्ड, ये हेल्थ कार्ड तो मेरी जब से मैं पॉलिटिक्स में आने का सोच भी रहा था तो तब से मेरा था कि अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैं एक हर पाकिस्तानी और खास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है उसके लिए एक इंश्योरेंस होगी उस खानदान के लिए कि अगर घर में बीमारी होती है और उनके पास, अगर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनके पास इंश्योरेंस होगी ताकि वो किसी भी गवर्नमेंट में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सके। अब ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना क्यों था? वालदा को कैंसर थी, सबसे महंगा इलाज कैंसर का है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी हमारे घर में पैसा भी अल्लाह ने करम किया हुआ था तो अगर हमें इतनी मुश्किल है तो ये गरीब घराने में कैंसर होती तो वो क्या करेगा? तो ये थी वजह शौकत खानम बनाने की, जो अल्लाह का करम है कि आज भी दुनिया का ये दो, पेशावर का और जो लाहौर का हॉस्पिटल है, दुनिया में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है दोनों, जिधर 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, कैंसर का इलाज। लेकिन मैंने तब भी ये सोचा कि कभी हमें मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा। तो हमें बड़ी देर लगी है तैयारी करने के लिए, पहले पख्तूनख्वा की हुकूमत में, पहले उधर से शुरू किया हमने, उधर से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करते हुए फिर सारे, अब पख्तूनख्वा में हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं है, ये आप हैरान हो जाएंगे, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस अमीर मुल्कों में भी नहीं है, ये बड़े कम दुनिया में मुल्कों में है, जो कि आज पख्तूनख्वा में हर खानदान में और इस साल के आखिर तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि किसी भी 10 लाख रुपए तक एक खानदान किसी भी अस्पताल में जाके, अगर गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, किसी भी अस्पताल में जाके 10 लाख तक एक खानदान अपना एक साल तक इलाज करवा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो लोगों के घर में कभी भी मुश्किल आई हो, बीमारी हो, सारी रिसर्च एक चीज साबित करती है कि एक खानदान में जो गुर्बत की लकीर से ऊपर हो, एक बीमारी ऐसी आती है कि वो खानदान गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है, मकरूज हो जाता है, क्योंकि उनका बजट मुश्किल से होता है कि वो आमदनी और खर्चों को बैलेंस कर रहे होते हैं, एक बीमारी की वजह से वो खानदान नीचे चला जाता है। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड मैं फिर से अपने पंजाब के वजीर आला को खास तौर पे
इसके लिए खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं क्योंकि मुझे पता है जब आप जब कैबिनेट में डिस्कशन होती है कि जी ये भी चाहिए फलानी भी चीज ये भी नहीं सड़कें ये वो सब कुछ चाहिए होता है तो कई दफा लोग भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उस आदमी की है वो लोग हैं जो बेचारे मुश्किल में हैं तकलीफ में हैं गरीब हैं तो उनके लिए कुछ सोचता ही नहीं था कि उनको क्या होगा कभी किसी ने सोचा नहीं कि गरीब आदमी के घर में अगर कोई बीमारी हो तो वो किधर जाएगा और ये जो इसके किसान कार्ड और जो आपका हेल्थ कार्ड है ये आपने सबसे बड़े काम किए हैं और इंशाल्लाह ये जब हमारे मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारी तारीख का कि कब वो मुल्क ने अपना रास्ता बदला जिसके लिए ये मुल्क बना था। 1947 में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने की थी उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने इस्लामी फलाई रियासत बनना है और किधर इस्लामी फलाई रियासत और हम किधर निकल गए थे। तो ये दौर अब आपके सामने होगा जब हम वापस जिस मकसद के लिए मुल्क बना था वापस उस रास्ते की तरफ अब निकलेंगे और वही हम इंशाल्लाह इस मुल्क की अजमत का रास्ता होगा। मैं आखिर में अपने किसानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुल्क के किसानों की मदद करूं अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क के लिए उनकी मदद करूं अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए अपने मुल्क में खुशहाली लाने के लिए मैं अपने किसानों की मदद करूं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरी हुकूमत मेरी प्रोविंशियल हुकूमत मेरी फेडरल हुकूमत हर वक्त आपके साथ खड़ी होगी। शुक्रिया।